तो यहाँ पर एक बात तो तय है कि वीकेंड का वार के लिए अनिल कपूर के पास यूं तो बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन एक मुद्दा जो पिछले दो हफ्तों से घर के अंदर बना हुआ है और वो है कि क्या वाकई में शिवानी बीमार है, क्या वाकई में शिवानी जो है स्ट्रेस में आकर बेहोश हो जाती है, क्या वाकई में शिवानी की मेडिकल कंडीशन है या फिर वो कर रही है ड्रामा। तो इन सारी चीजों को लेकर मुझे लगता है कि इस बार जो है बड़ा खुलासा जरूर होगा और इस बार अनिल कपूर जो है एक मेडिकल सर्टिफिकेट जो हमें समझ में आ रहा है, जो बात सामने आ रही है वो ये है कि मेडिकल जो है एक सर्टिफिकेट शिवानी का बताया जाएगा और कहा जाएगा कि भाई शिवानी को ये चीज और ये प्रॉब्लम पहले से ही है, जहां जब भी वो स्ट्रेस में होती है तो वो बेहोश हो जाती है, तो ये बात जो है बताई जाएगी। तो एक बात तो तय है कि यहाँ भले ही शिवानी दो बार हफ्ते में, मतलब पिछले हफ्ते आपको याद होगा पॉलोमी के साथ जो हुआ था उसका पूरा का पूरा, और उसके बाद इस बार भी लेटर वाले टास्क के बाद, नॉमिनेशन के बाद, नॉमिनेशन में आने के बाद वो फिर से बेहोश सी हो गई थी, उसको उठाकर मेडिकल रूम ले जाया गया था। तो खबर ये सामने आ रही है कि इस बार जो है इस बात का प्रूफ दिया जाएगा कि भाई शिवानी की यही मेडिकल कंडीशन है, उसे इस बात का इश्यू है और यहाँ पर उसके साथ जो चीजें होती हैं वो नाटक नहीं करती, मतलब जेन्युइनली जो है उसके साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। इन सब के सबूत दिए जाएंगे और यहाँ ये बात साबित की जाएगी कि भाई शिवानी जो कर रही है वो ड्रामा नहीं है, इसलिए उसकी मेडिकल कंडीशन पर बार बार ना बोला जाए। तो लेट्स सी, अगर वाकई में शिवानी के साथ ये इशू था तो क्या उसे यहाँ पर लेकर आना मेकर्स का सही डिसीजन था क्या? क्योंकि अगर आपको इस तरह के मेडिकल इशू है और अगर आप स्ट्रेस में बेहोश होते हो तो जाहिर सी बात है कि इस घर में ऐसी कई बार सिचुएशंस आएंगी जहां पर आपकी तबीयत खराब हो सकती है। तो क्या आपको लगता है कि फिर इस प्लेटफॉर्म पे लाना चाहिए था? आप क्या कहेंगे कमेंट में अपनी राय लिखकर जरूर बताएं।